रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह फूड। आज बन रही है आलू की तरकारी, बाजार जैसी। सामान सारा रेडी है, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट करवा देती हूँ। मैंने लिया है नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, राई, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टमाटर लिया है, 2-3 हरी मिर्च ली हैं कट कर ली हैं, एक दरमियानी प्याज लिया है, 1/2 kg मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है, रफली कट कर लिया है। बहुत जल्दी और बहुत मिनटों में तैयार होने वाली ये तरकारी है, 10 मिनट्स में ये तरकारी रेडी हो जाएगी। झटपट तरकारी इसका नाम है। सबसे पहले मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। सारे तमाम मसाले जो मैंने आपको नोट कराए थे वो सब डाल दिए हैं। 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 छोटी प्याली सोया सॉस, 1 छोटी प्याली सिरका और 1 छोटी प्याली इसमें जाएगा चिली सॉस। थोड़ा सा ऑयल, बस 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। 1/2 कप पानी की मुझे और नीड लग रही थी, 1/2 कप पानी और डालूंगी मैं इसमें। इसको थोड़ा सा, सारे मसाले मैं इसके अंदर तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर दूंगी। और मैं इसमें लगा रही हूँ कुकर का ढकना। जस्ट 10 मिनट्स का मैं इसमें कुकर लगाऊंगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद मैं कुकर से पहले सीटी हटाऊंगी। कुकर से सारी गैस रिलीज हो चुकी है, इसकी चुटकी नीचे हो गई है, ये पिन नीचे हो चुकी है और मैं इसका ढकना खोलूंगी। आलू बिल्कुल गल चुके हैं और अब मैं इसको अच्छे तरीके से बुनाई करते हुए आलूओं को भी थोड़ा सा मैश करूंगी, जैसे कि तरकारी होती है बाजार वाली। मैंने इसको अच्छे तरीके से आलूओं को मैश भी कर लिया है और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, देख सकते हैं आप सब। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसकी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये मैं इसको आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ। पूरी या पराठों के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार। हरे धनिया डालने के बाद बहुत मज़ेदार आलू की तरकारी की खुशबू आ रही है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बताते रहिए आपको आप लोगों को और क्या किस किस चीज़ की रेसिपीज़ चाहिए। आप लोगों को मज़े मज़े की रेसिपीज़ की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।